कृषि को लाभदायक बनाने के लिए कृषि का व्यवसायीकरण बहुत जरूरी है। हमारे देश में कुछ ऐसे भी किसान भाई बहन हैं जो कृषि उपज से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाकर सफल उद्यमी बन चुके हैं। ऐसी ही एक महिला उद्यमी हैं श्रीमती सुनीता, जो गंगा स्वयं सहायता समूह मित्राओं गांव नजफगढ़ दिल्ली की अध्यक्षा हैं। इन्होंने कुछ वर्ष पूर्व कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली से प्रशिक्षण प्राप्त कर मात्र 4000 रुपए से ग्रामीण महिला बेकरी यूनिट की सफलतापूर्वक शुरुआत की। इस बेकरी यूनिट द्वारा बाजरे से मूल्य संवर्धित उत्पाद अर्थात बिस्किट तैयार कर बेचने शुरू किए। दो हजार तेरह में मैंने केवी की उजुआ से ट्रेनिंग ली थी बाजरा बिस्किट की। मैंने शुरू किया बनाना, एक छोटी सी घर पर भट्टी लगाई जिसमें कभी जल गए ना बन पाए। रसोई का ओवन भी यूज़ किया, मैं नहीं चला पाई। कोशिश करते रहे, थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ ये बन जाएंगे। फिर हमने घर में बैठ के अपना विचार लगाया, ऐसे ही चलते ग्रुप बना लिया एक। हम 14 लेडीज इकट्ठे हो गए, हमने 100-100 करके पहले रुपये जमा किए, फिर 200 करे, 500 किए, कुछ पैसे हमारे वे हो गए जी। हमें कुछ लोन भी मिला। फिर हमने केवी के उजवा की तरफ से ही पहली बार मैंने पूसा मेले में जब डब्बे लगाए, मेरे 28 डब्बे थे जी, मेरे पहले ही बिक गए। बहुत डिमांड आई, वहाँ मुझे इनाम भी मिला, सबसे अच्छा मेरा बिस्किट बताया। वहाँ प्रगति मैदान में पहली बार मैंने 1,62,000 के बिस्कुट बेचे। सूरजकुंड में मेरे 2,03,000 के गए थे जी। गुलटोन फ्री, जिस बच्चे को अनाज से एलर्जी है, बहुत डिमांड आती, गर्मी में भी चलता है ये तो। आज उनकी इस यूनिट द्वारा 16 क्विंटल बाजरा बिस्किटों को विभिन्न स्वादों में तैयार किया जाता है। इस उद्यम से वो लगभग 4 से 5 लाख रुपए सालाना कमा रही हैं। इस प्रकार केवी के दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा दिखाए गए रास्ते, प्रोत्साहन तथा प्रेरणा के कारण वो सभी बाधाओं को पार कर प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। आज श्रीमती सुनीता अपने क्षेत्र में एक सफल उद्यमी के रूप में विख्यात हैं।